हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। मीन्स ऐसे वर्ड्स जो नाउन की प्लेस पे यूज होते हैं वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज अ ब्यूटिफुल डांसर। शी डांस वेरी वेल। यहाँ पे सीता ये नाउन है और जो शी है वो यूज हुआ है इन प्लेस ऑफ नाउन शी, जो कि एक प्रोनाउन है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि किसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है। मान लीजिए बॉय है या मैन है, इनके लिए यूज होता है ही, द वर्ड ही। जब आप प्रोनाउंस यूज करते हैं तो बॉय और मैन के लिए यूज होता है ही। जब बात होती है गर्ल या फिर वुमेन की तब हम यूज करते हैं शी। ओके, गर्ल और वुमेन के लिए शी। और जब किसी थिंग की बात होती है या फिर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं इट। और जब तुम ऐसा करते हो, तुम अच्छे बच्चे हो, तब हम लगाते हैं यू, और यू में तुम्हारा, योर्स, तुम यू और तुम्हारा हो गया योर्स। यू आर अ गुड बॉय। इज दिस बुक योर्स, क्या ये बुक तुम्हारी है, तब हम लगाएंगे योर्स, तुम्हारा या तुम्हारी, इन दोनों के लिए आप लगाओगे योर्स। दे वर्ड यूज होता है गर्ल्स, जब बहुत सारी गर्ल्स और वुमेन के बारे में बात होती है, और बॉयज एंड मैन के बारे में बात होती है। मतलब अगर आप एक बॉय और एक गर्ल की बात करोगे तो बॉय के लिए ही और गर्ल के लिए शी हो जाएगा, लेकिन अब जब बहुत सारी गर्ल्स और बॉयज के बारे में वुमेन और मैन की बात करेंगे तब हम लिखेंगे दे। तो प्रोनाउंस के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फोर्थ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एंड फिफ्थ, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो आज के हमारे लेसन में हम सीखेंगे ओनली 2 टाइप ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, और नेक्स्ट लेसन में हम बाकी के 3 प्रोनाउंस सीखेंगे। तो लेट स्टार्ट विद पर्सनल प्रोनाउन। एक सेंटेंस बताती हूँ आपको, आई गो टू स्कूल डेली। और एक और सेंटेंस लेते हैं, यू आर अ गुड बॉय। अब ये 2 सेंटेंस आपके सामने हैं, आई गो टू स्कूल डेली एंड यू आर अ गुड बॉय। यहाँ पे आई एंड यू ये दोनों प्रोनाउंस हैं। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, पर्सन के बारे में। तो ऐसे प्रोनाउन जो किसी पर्सन और थिंग के लिए यूज होते हैं वो प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउन हो गए जिसमें पर्सन से रिलेटेड बात हो या थिंग से रिलेटेड। तो पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन,
सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में बात होती है आई, मी और वी की, यानी कि मैं, मुझे और हमारा। और सेकेंड पर्सन में आते हैं यू, योर्स, ये हो गई सेकेंड पर्सन की बात। और थर्ड पर्सन में आता है ही, जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, ही, शी, इट, दे, ये आते हैं थर्ड पर्सन में। तो पर्सनल प्रोनाउन के भी तीन टाइप्स हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं, हम देखेंगे कि ये सेंटेंस फर्स्ट पर्सन के लिए है, सेकेंड पर्सन का है या थर्ड पर्सन का। तो फर्स्ट सेंटेंस है, सोहन गेव मी अ पेंसिल। मी मुझे, सोहन ने मुझे पेंसिल दी, तो मुझे यानी मेरी बात हो रही है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। अब आई गो टू स्कूल डेली, अगेन आई, मैं, मेरी बात हो रही है, तो फर्स्ट पर्सन। यू आर अ गुड बॉय, यू, तुम्हारी, तुम, यू किसके लिए आता है, सेकेंड पर्सन। शी कैन सिंग वेल, यहाँ आई की नहीं, यू की नहीं, शी, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो ये है हमारा थर्ड पर्सन। ही इज अ ब्रेव बॉय, ही, अगेन ये है थर्ड पर्सन। जो हमारा सेकेंड काइंड है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में नाम से ही आप देख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट यानी कि शो करना, बताना, यह, ये, दिस इज माई बुक। यहाँ पे दिस शो कर रहा है कि ये मेरी बुक है, तो यहाँ पे जो दिस वर्ड है वो डेमोन्स्ट्रेटिव यानी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, शो कर रहा है, बता रहा है कि यह बुक मेरी है, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पे दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। पास में कोई चीज़ रखी होती है तो हम उसे बोलते हैं दीज, लेकिन अगर दूर से हम किसी चीज़ को इशारा करते हैं तो हम बोलते हैं दैट। ये दूर से इशारा करते हुए बता रहा है कि दैट इज अ बलून, वह एक बलून है। और अगर प्लूरल की बात होती है तो हम लगाते हैं दोज, दोज आर योर शूज, वह तुम्हारे शूज हैं, वे तुम्हारे शूज हैं। हम दूर से इशारा करते हुए उसको बता रहे हैं वे तुम्हारे शूज हैं। तो दिस का हो गया प्लूरल दीज, और दैट का प्लूरल हो गया दोज। ये दोनों ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गए टू पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को बताना या फिर उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना जो आपको बिलोंग करता है, जो आपका खुद का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं, अब हम देखेंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन है या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज अ वेरी ओल्ड टेम्पल, तो यहाँ पर दिस ये पॉइंट आउट कर रहा है, इट मीन्स ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि जो किसी थिंग को, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करे वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सेकेंड है शी ऑलवेज कम्स टू स्कूल इन टाइम, यहाँ पे शी किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, इसीलिए ये है पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट है दैट इज अ पेन, अगेन ये पॉइंट आउट कर हो रहा है, एक किसी ऑब्जेक्ट पे की तरफ बात हो रही है, तो यहाँ पर दैट हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हरी हैज़ अ बुक, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर बुक की बात हो रही है, इट यहाँ पे प्रोनाउन है और इट है बुक के लिए, तो ये थिंग है और थिंग में आता है पर्सनल प्रोनाउन। तो ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन।